फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शकरकंदी का जूस। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। जब व्रत होता है तो मैंने भी जो है 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है, तो इस दौरान मैं जो है शकरकंदी का जो है मुझे जूस भी बहुत पसंद है, चाट भी बहुत पसंद है और साथ ही साथ शकरकंदी की खीर भी बहुत पसंद है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो है शकरकंदी का जूस, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे अगर आप एक बार पीते हैं तो आपका जो दिन भर जो है आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको इसके साथ कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमें एनर्जी भी देता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने लिए है 2 उबले हुए शकरकंदी, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1 कटोरी दूध लिया है यहाँ पर मैंने। सबसे पहले दूध को मैं मिक्सी ग्राइंडर में डालूंगी। ये दूध जो है उबला हुआ है, थोड़ा गर्म है और इसमें मैं चीनी को भी ऐड कर लूंगी। और अब मैं जा रही हूँ शकरकंदी को छीलने। तो ये देखिए शकरकंदी हमारी अच्छे से छिल चुकी है। अब मैं इसे छोटे छोटे इस तरीके से पीस में काट दूंगी और इसको भी जो है मैं दूध में ऐड कर लूंगी। तो हमें जो है इसे मिक्सी ग्राइंडर में जो है इसे पीसना है। तो अब मैं जो इस ढक्कन को बंद करके इसे चला लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरीके से करना है आपको। तो आप शेक कह सकते हैं, जूस कह सकते हैं। और इसकी बहुत चीज़ों में काम आता है शकरकंदी। इसका हम चाट भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं, शेक भी बना सकते हैं। और पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एनर्जी देता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान आपका पेट जो है सुबह पी लेंगे तो दिन में ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो इसे व्रत के दौरान मैं ज़रूर पीती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और इसमें आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं था इसलिए मैंने इसमें जो है ऐड नहीं किया। और इसी तरीके से पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है व्रत की। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।